प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर में हैं, जहां पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के ही समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से ही होना चाहिए, भारत अपने इस रुख पर कायम है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और रूस के संबंध पुराने हैं। पीएम मोदी का ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है? इस दौरे से भारत को क्या लाभ होगा? भारत ने अमेरिका को क्या संदेश दिया है इस दौरे के साथ? इसकी बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए कजान में पीएम का स्वागत किस अंदाज में हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के स्वागत में स्पेशल तैयारी की थी। कृष्ण भजन गाकर किया गया पीएम मोदी का स्वागत। जी हां, कजान शहर पहुंचने के बाद रूसी लोगों ने कृष्ण भजन गाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जब पीएम मोदी अपने होटल कॉस्टन पहुंचे तो वहां पर रूसी समुदाय के कलाकारों ने शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब बात करते हैं मुद्दों की। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किन विषयों पर चर्चा होगी और उन पर भारत का रुख क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। साथ ही ब्रिक्स से हटकर किन किन देशों के प्रमुख के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होनी है, ये भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा, पीएम मोदी कजान में ब्रिक्स सदस्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रही बात मुद्दों की, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिजिटल पेमेंट का जिक्र कर पीएम मोदी के मन की बात कह दी। दरअसल अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन कॉमन ब्रिक्स करेंसी की बात करते रहे हैं और इस प्लान से चीन भी बहुत खुश था, लेकिन अब उसकी खुशी फुर हो चुकी है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने अपने रुख में बदलाव किया, ब्रिक्स करेंसी की जगह डिजिटल पेमेंट की वकालत की है और कहा कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाएं, ये वक्त अभी नहीं आया है, बल्कि आपसी व्यापार और निवेश में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा कि इसके लिए रूस भारत और अन्य देशों के साथ काम कर रहा है, इससे भारत के हित सधते हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, जो भारत में पहले ही कामयाब हो चुका है और दुनिया के सामने भारत एक एग्जाम्पल है। दूसरा, अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी एजेंडे में शामिल ना होने की भारत की स्ट्रैटेजी का बरकरार रहना। ये पीएम मोदी की नीतियां ही हैं जिसने भारत का दबदबा बढ़ाया है। इससे पहले जुलाई में पीएम मोदी ने मॉस्को की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मूल सदस्य हैं, जबकि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल होने के बाद इन देशों के इस समूह का विस्तार हुआ है।